अब इंडिया में ना एक नया फैशन शुरू हुआ है वास्तु, ठीक है ना। अब ये जब कि आपका दर्जा वास्तु के अनुसार होना चाहिए, वास्तु के अनुसार नहीं हो तो ये हो जाएगा, और आपको कोई प्रॉब्लम आई तो वास्तु के अनुसार खराब है, ठीक है ना। बच्चा नहीं पढ़ता तो वास्तु के अनुसार खराब है, बच्चा नहीं बात सुनता तो वास्तु के अनुसार खराब है। अब बच्चा अगर 2.5-3 साल का और फादर घर में आता है और टीवी चल रहा है, बच्चा देख रहा है, तो कौन सा नेटवर्क लगा, कौन सा चैनल लगा हुआ है? कार्टून नेटवर्क लगा हुआ, ठीक है ना। और बाप आता है तो कौन सा लगाएगा? न्यूज़ चैनल लगाएगा। मम्मी आएगी तो कलर्स लगाएगी, ठीक है ना। अब बाप जो है बच्चे से लड़ता है, मैं पढ़ते नहीं, तू अरे बच्चा सुनता नहीं, वास्तु वाले हो रहा है, मतलब वास्तु खराब है आपका, इसलिए बच्चा आपका सुनता नहीं। अब मुझे समझ नहीं आते ये वास्तु बाप का खराब है या बच्चे का खराब है। अरे कॉमन सेंस की कोई चीज़ है तो हमारा एडवांस रूल है, 5 रूल तो मैंने बताया था, एक एडवांस रूल है उसमें, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजी। अरे बच्चा भैया उसको टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो मांगेगा मांगे, उसको क्या पता उसके शरीर के लिए अच्छी है या नहीं। कार्टून नेटवर्क कितनी देर देगा, उसको थक नहीं आएगा, मरने लगा तो देखता रहेगा। आपको उसको रेस्ट देना बेटा, आके वो थोड़ा बाहर निकल कुछ खेल, उसको कहीं आपको इंटरेस्ट और जगाना पड़ेगा ताकि फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, बेटा बेटा बर्गर खा के मोटा होता रहे। अब आपने उसको कार्टून नेटवर्क पहले दिखाया था, आपने क्यों दिखाया था, आपका वास्तु क्यों खराब है इतना यार? क्यों कॉमन सेंस की हर चीज़ में वास्तु दे, बड़ा की वास्तु, पढ़ता नहीं तो वास्तु फलाना, तो अब नहीं पढ़ता तो पता करो ना भाई क्यों नहीं पढ़ता, उसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो नहीं कि जो है कोई टीचर नहीं ढंग से पढ़ा रही या उसको कोई ज़्यादा, क्योंकि उसकी समझ कम है, उसका जिस तरह से टीचर समझा रहा है उसको पल्ले नहीं पड़ा, उसको और बेहतर। आप भी पढ़ा रहे बच्चे तो एक तरीके से नहीं समझता तो 3 और तरीके लगाने पड़ते ना उसको समझाने के लिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, बोलता चल बेटा आज छोड़ दो कल देखेंगे, नहीं आज दिमाग चल, रोज तो दिमाग चलेगा, गारंटी नहीं है ना, इंसान है भाई, ठीक है। अब वो उठाया जी वास्तु, ठीक है, अरे उसको इंटरेस्ट इनकलकेट कर दो, वास्तु आ जाइए हर चीज़ में, मियाँ बीवी की कोई नहीं बनती वास्तु दोष है, मियाँ सुनता ही नहीं वास्तु, उसकी पर्सनैलिटी है जो भी है, वाइफ सुनती नहीं। अब इसका मतलब गोरों की सबकी वास्तु खराब, क्योंकि उनका तो हिसाब किताब ही खराब, और जितनी पंजाब ने आए उनका फिक्स डायलॉग है कि मैं ही हाँ तेरा कट रही है, दूजी होती है नासिर। अब हम गरीबों का सबका ही वास्तु खराब तो सारा आज ही क्यों खराब हुआ, हमारे बाप भी यही सुनता था। बिल्कुल जल्दी बात करेंगे, बेअकल बात करेंगे, वास्तु से क्या लेते हैं, नेचर की बात। अगर आपका नेचर अच्छा है वाइफ की तरफ तो क्या बात का झगड़ा है, वाइफ का भी अच्छा, जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी, झुग्गी में रह लो, सड़क पर रह लो, महलों में रह लो, महलों में जो रह रहे हैं उनका वास्तु ठीक है कह नहीं सकते आप। मोदी जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर हुए गुजरात के, एक वो थी मैं नाम भूल गया, फीमेल थी फिर तो उसके बाद अब रूपानी जी आए। अब ये दोनों चीफ मिनिस्टर जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर जरूरी तो नहीं बनेंगे, तो अब वास्तु तो वही है, ये भाई क्यों नहीं बनेंगे, ये भी बनने चाहिए। मनमोहन सिंह जैसे काम किया करते थे मोदी जी बिल्कुल उल्टी तरीके से काम करते, दूसरे तरीके से, वास्तु वही है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का वास्तु तो वही है ना, राष्ट्रपति भवन का वास्तु वही है, राष्ट्रपति बाहर से आता है, जो राष्ट्रपति भवन में काम कर रहा है उसका झाड़ू मारने का काम है, वो पिछले 30 साल से झाड़ू ही मार रहा है, अरे कोई वास्तु का फर्क नहीं पड़ रहा भाई उस पर। अरे भैया कर्म का फल है भाई, भगवान कृष्ण गीता में कह रहा है कर्म किया जाए भाई, फल की इच्छा ना कर्म मैं दूंगा, ढंग से तूने कर्म किए नहीं तो झाड़ू ही मारेगा भाई, प्रधानमंत्री बनेगा कैसे। तो ये ना कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस है, ये ज्योतिषियों में कूट कूट के भाई है, इसका कुछ कर नहीं सकते। नाउ व्हाट वी मीन बाय वास्तु आई विल जस्ट एक्सप्लेन। जितने भी हमारी पुरानी विद्याएं हैं, प्राचीन विद्याएं हैं, उसमें सभी हमें हमने करना क्या, पंच तत्वों को या पंच महाभूतों को बैलेंस करना। आयुर्वेद है तो हमें पंच महाभूत को बैलेंस करना, मैंने
परसों बताया था आपको ना, रात पित्त कफ है ना, आपके फायर लगी, मतलब दिल में आग नहीं कह रहा मैं, गर्मी बहुत लग रही है, धूप है, तो क्या होगा, आपको पसीने आए हुए सब, पानी आपके अंदर कम हो जाएगा, इसका तो फायर बढ़ गई है, क्या करोगे, पानी पी लो। जब आपको कफ बहुत निकल रही होती है तो आप गोलगप्पे खाने का जी करता है, मिर्च खाने का जी करता है, क्यों, क्योंकि शरीर फायर मांगता है कि कफ जो है ना जल जाए। जब पेट अपचा होता है तो चूर्ण, चूर्ण क्या है, फायर, फायर खाना, ठीक है। बच्चा पतला है बिल्कुल तो क्या करेंगे, उसको कफ वाली चीज़ें देंगे, रोटी ज़्यादा खा लो, शरीर पे कोई फैट जमे, घी खा, फैट जमे, ठीक है, बैलेंस हो वात पित्त कफ, है ना, वही पंच तत्व कहने का मतलब। सेम वी हैव टू डू इन मेडिसिन, सेम वी हैव टू डू इन हाउस ऑल्सो। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो है घर के अंदर हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो कनाडा का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा, क्योंकि कनाडा के अंदर जो है हम हमेशा जो दरवाज़ा खोल के घर नहीं रख सकते, इंडिया के अंदर हम मेन डोर हमेशा खोल के रख सकते हैं, जो खिड़कियां हमेशा खोल के रख सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जब सर्दियाँ होंगी तो फिर यहाँ पर वो स्नो स्नो स्टॉर्म आते होंगे, तो बड़ा पंगा, टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, खोल देंगे, अब कोई आया खुजली तो ये इंडिया से शुरू हुई, ठीक है, और इंडिया से खुजली आई, वो कोई बात कर रहे सुबह कोई इंडियन बैठा था ऐसे, ठीक है, ब्रह्मा जी की तप कर रहा था, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोला बच्चा मैं तुमसे कुछ बहुत प्रसन्न हुआ, बताओ क्या चाहते हो, वो तो ब्रह्मा जी मैं हमेशा प्रसन्न चित्र हूँ, तो ब्रह्मा जी का तथास्तु, अब ब्रह्मा जी तथास्तु करके चले गए, अब उसको खुजली होने लगी, वो खुजली करता रहता, प्रसन्न रहता, खुजली करने के बाद मजा बड़ा आता है ना, खुजली, अरे भैया खुजली क्यों करते थे, ये नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या है कि हमें देखना है घर के अंदर वाटर कहाँ है सबसे ज़्यादा, जहाँ घर में वाटर ज़्यादा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर, ज़्यादा टाइम तक अगर रहेगा तो काई जमेगी, ठीक है ना। तो आप बताइए कि हस्बैंड जो है इंडिया में बर्तन कहाँ धोते हैं, कनाडा की बात है, किचन में धोते हैं, कपड़े कहाँ धोते हैं, बाथरूम में धोते हैं, लॉन्ड्री रूम तो अलग से इंडिया में है नहीं, है ना, या पीछे बरामदे पीछे ना बैकयार्ड के अंदर, तो अगर वहाँ धूप नहीं आएगी तो क्या काई जमेगी, तिलकेगा, फिसलेंगे, तो दैट मीन्स वहाँ पर धूप आनी चाहिए, ठीक है ना। फायर सबसे ज़्यादा तो जो पानी है घर में वहाँ होगा, जहाँ लोग नहाएंगे, जहाँ कपड़े धुलेंगे, जहाँ बर्तन धुलेंगे, कई जगहों पे ये भी है कि किचन में बर्तन नहीं धुलते, बाहर ले जाते हैं, जहाँ भी आपके बर्तन धुल रहे हैं, जहाँ भी पानी अधिक है वहाँ धूप होनी चाहिए। अब हमें देखना है धूप कहाँ पर रहती है, कौन से डायरेक्शन में रहती है, ठीक है ना। अब बताइए आपकी ये कैनेडा में जो सूरज है कहाँ से उगता है, कौन से डायरेक्शन से, ईस्ट से, और लुधियाना में, और दिल्ली में, एवरीवेयर ईस्ट से, ठीक है ना। अब समझते हैं इसको कि सर्दियों के अंदर जगह जहाँ भी हो जो सूरज उगेगा वो साउथ ईस्ट से उगेगा, साउथ वेस्ट में जाके छुप जाएगा, सो देयरफॉर वो कम दिन के लिए, कम टाइम के लिए रहेगा, बाकी ये रात होगी। अब जब 21 मार्च से और 23 सितंबर एग्जैक्ट, तो डे एंड नाइट्स विल बी द सेम, जो ईस्ट से उगेगा और वेस्ट में छुट जाएगा 12 आवर्स, और जब गर्मी होंगी तो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इसलिए वो बड़ा होगा, और जितने आप नॉर्थ पे हो तो वो घेरा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, बट द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द साउथ, साउथ से ही वो जाएगा, नॉर्थ से नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर जहाँ में पानी है आपके घर में और अगर वो एरिया आपने इस डायरेक्शन में बना दिए तो वहाँ पर धूप नहीं आएगी, वहाँ पर फिसलन हो जाएगी कुछ ही महीने के अंदर, एक दो महीने में ही फिसलन शुरू हो जाएगी नए घर के अंदर, और बुजुर्गों की हड्डियाँ टूटने लग जाएंगी, जो हमारी प्रेडिक्शन होगी
कि आपका घर नॉर्थ, आपका बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में है, तो जो आपके बुजुर्गों की हड्डी टूटेगी कॉमन सेंस एंड कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू एक्सप्लोर. ठीक है, अब इसके बाद ये तो मेरे को दूर की डायरेक्शन, इसका मतलब अगर हम साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में बाथरूम रखते हैं तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात, कोई भी मौसम हो, उसको धूप मिलेगी, तो चाहे वो दरवाजा हो चाहे वो खिड़की को खोलनी पड़ेगी हमें उससे. ठीक है, अब आ जाते हैं इंडिया में हवा की डायरेक्शन क्या होगी, हिंदुस्तान में हवा की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ. ठीक है, अब ये इंडिया का मतलब अप्रॉक्सीमेट नक्शा सा है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट नक्शा हो गया जो मतलब बना सकते हैं जल्दी. ठीक है, अब ये होगी बे ऑफ बंगाल, ये होगी अरेबियन सी, ये हो गया इंडियन ओशन. तो यहाँ पर जब गर्मियाँ होती है हमारे यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ होता है 50 डिग्री अमृतसर. ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक. और बाकी जगह पे भी टेम्परेचर जो है 42-43 से लेकर 45-46 से लेकर, या चुरू में रहेगा 50 डिग्री. अब ये जो है ये हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर, और इधर हो गया लो प्रेशर. विंड्स विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो ये विंड्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ दौड़ती है. सबसे पहले केरला के अंदर मानसून आता है, जैसे केरल के अंदर मानसून आता है यहाँ हवाएं तीनों टकराती हैं, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है यहाँ पर ये सक हो जाती है एकदम से साइफन. ये इफेक्ट है, ये नेचुरल है, मैं कुछ कर नहीं सकता. फिर यहाँ बारिश शुरू हो जाती है सेकेंड, उसके बाद जो है ये ईस्टर्न, ये सॉरी बे ऑफ बंगाल से इस तरफ जो है जो हवाएं चलनी शुरू हो जाती है सारी की सारी. ठीक है, इधर जो होगा कोस्टल एरिया में बिल्कुल ये 365 डे लैंड ब्रिज सी ब्रिज चलेगा कोस्टल एरिया में, सब जगह लैंड ब्रिज सी ब्रिज चलता रहेगा. आगे इस तरफ रात को और सुबह लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, मैंने देखा ये भी ईस्ट वेस्ट है. ये क्या होगी ईस्टर्ली विंड्स. ठीक है, अब से आप हिंदी पिक्चर गाने सुनने शुरू कर दो अगर आपको ज्योतिष सीखे. अगर नहीं सीखोगे हिंदी के पिक्चर गाने नहीं सुनोगे तो आप ज्योतिष नहीं सीख सकते. तो हमारा एक भरत कुमार, भरत कुमार हिंदी पिक्चरों में मनोज कुमार, उसने पिक्चर बनाई थी पूर्व और पश्चिम, उसका गाना है तो ये जो आएगी पूर्व आएगी ये ह्यूमिड होगी क्योंकि ये सी से आ रही है. ठीक है, कब आएगी, गर्मियों के बाद बरसात के सीजन मानसून, मानसून ही आ रहा है. और बाद में जब मानसून आए ये जो यहाँ पर तो यही आ रहा, फिर बाद में जब मानसून आए ये वापस से प्रोसीड होता है, तो ये जो इधर एरिया में जो तमिलनाडु में ये अक्टूबर में आता है, ये शुरू में नहीं आता, ये भाग जाती है. ठीक है, तो बेसिकली ज्यादातर ईस्टर्ली वेस्ट है. शाम और सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर जो 50 डिग्री था ये हो जाता है 0 डिग्री अमृतसर, जैसे बता रहे हैं -1 भी हो जाता है, यहाँ फिर वही 30 है. अब ये हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर हो गया, यहाँ हाई प्रेशर हो गया, अब विंड्स इस तरफ आती है. नॉर्थ टू साउथ नहीं, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, नॉर्थ साउथ बताता हूँ. अब ये अब हम धर्म से जोड़ेंगे तो हमारे धर्म से जुड़ता है ये चीज़, कैसे भगवान कृष्ण ने हमेशा मध्यम मार्ग अपनाने को कहा, मध्यम मध्यम मार्ग मतलब यह है कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो अपना आराम आराम से कर दो, ये नहीं चढ़ जाओ मॉडरेट भाई सुबह शाम कहना धन लगे बोला नहीं, घंटा दो घंटा काम किया थके थोड़ा आराम किया फिर दो घंटे किया फिर भोजन किया फिर थोड़ा सा सोए फिर अपना काम किया
फिर अपना बड़ा भाई चाय मंगाओ भाई, फिर शाम को फिर क्या घर चले गए। भगवान की पूजा भी करने तो भूखे पेट भजन ना हुई पाला भाई बने भरे तो भगवान जी अब थोड़ा सा लग रहा है फील आ रही है कि हम तुम्हारी पूजा कर सकते थोड़ा काम लेते हैं, नहीं तो आज यार मूड भी नहीं है। उसने कहा यही कर, बोले ये रामचंद्र जी वाला क्या सिस्टम, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन ना जाही। भाई अब पापा जी ने कह दिया है तो चलो जी ब्रह्मास में चलो, भाई भी चल दिया भैया भाई बीवी छोड़ के चल दिया। इतने ज़्यादा ना जो डिसीजन है ड्रास्टिक डिसीजन हार्ड डिसीजन देने की कोई जरूरत नहीं है, ये पापा मम्मी को समझा देते मैं ठीक नहीं आना पापा जी देख लो पाजी गलत गल है देखो है हनीमून जा रहे हैं लेकिन फिर रसों नहीं जा रहे हैं गलत गल है गलत गल है। फिर ये क्वेश्चन है इलेक्शन में की शादी हुई थी और मिला तो वो बोलता कि वो लक्ष्मण ने शादी नहीं नहीं लक्ष्मण जी वाज मैरिड टू द यंगर सिस्टर ऑफ सीता जी और मिला भरत जी की मांडवी और शत्रुघ्न जी की श्रुति कीर्ति चारों बहने थी राजा जनक की राजा जनक की बेटियां और सीता माता की बहन तो फोर सिस्टर्स और मैरिड टू द फोर ब्रदर्स राइट। तो उर्मिला को छोड़ दिया यार ये क्यों पंगा है ठीक है अब मैं समझाता हूँ उसको हाँ वो चले जाते क्या था यार वो उर्मिला को भी देखो नहीं मैं नहीं जाऊँगी देख क्या चलो मतलब ये ना सिखाने के लिए ये ड्रास्टिक हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनमें कई मतलब ये मल्टी डायमेंशनल आप कई चीज़ें सीख सकते हो। उन्होंने तो अपना जीवन जो उनका उन्होंने भोगा या पर्पस उन्होंने दिया वो हमारे को सिखाने के लिए भी कह सकते हैं कि उन्होंने सिखाया तो सीखने में अर्ज क्या। तो भगवान कृष्ण का जो मंदिर है वो है यहाँ द्वारका, भगवान कृष्ण जी मथुरा से द्वारका आ गए थे क्योंकि कंस जो था उसकी जब डेथ हो गई उसको मार दिया भगवान कृष्ण ने तो उसके जो ससुर था जरासंध वो पटना का राजा था एंड ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग, स्ट्रॉन्गेस्ट किंग एज एन आर्मी ऑल्सो एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी ऑल्सो, उसके शरीर भी बड़ा स्ट्रांग था, वॉरियर खुद में भी बड़ा स्ट्रांग था, उसकी आर्मी भी बड़ी थी। अब भगवान कृष्ण से लड़ नहीं सकते थे उसने कहा तो वो फटाफट भाग के यहाँ गए और बीच में तो क्या मरुस्थल राजस्थान था तो वो ही कुडंट क्रॉस फ्रॉम पाटलिपुत्र टू दिस प्लेस। उसके बाद दूसरा भगवान कृष्ण का जो मंदिर है वो यहाँ पर है उड़ीसा में पुरी में ठीक है। तो ये होगी ईस्टर्ली वेस्टर्ली, ये भगवान कृष्ण गए ईस्ट टू वेस्ट, तो ये उन्होंने कहा मध्यम मध्यम यूं आए हवा मध्यम मध्यम। भगवान राम कैसे गए थे अयोध्या से नीचे श्रीलंका तक, नहीं नॉर्थ टू साउथ कैसे गए थे, कैसे गए थे तीर छोड़ते कभी इसको मार कभी इसको मार तीर छोड़ते गए और जब वापस आए थे तो भाई ये आए थे पुष्पक विमान में चुप करके आ गए थे। सदन साउथ से जो नॉर्थ आती है तो वो तुरंत आती है, साउथ से जो नॉर्थ आती है ये तुरंत आती है पता ही नहीं चलती, लेकिन जब नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस आती है तो वो ओले शोले लेके आती है इंडिया में, बहुत कम आती है लेकिन आती है। नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस ऐसी आती है दरवाजे खिड़कियां से आगे रामचंद्र जी भैया बाबू सारे जो है असुर शूर बाबू देखो कितनी लंबी सीता जी का कहां से हुआ कौन सी जगह पाजी मैन की पता है रावण तो पूछो पाजी मैन की पता है ठीक है श्रीलंका के नजदीक ही हुआ किष्किंधा किष्किंधा हां नियर टू मतलब Can I get your point is that you're connecting all this movement up here to the Lord Krishna, Lord Ram and it is connected. मजे की बात और उनकी learning is also connected और देखो geography is also connected, हर चीज़ connected है। तो उनको पहले ही पता नहीं, पता नहीं कहानी शायद इसीलिए ना बनाई होगी but connect होगी। अब आगे कि इसका मतलब हमें जो खिड़की दरवाजे जो हैं
अगर हम इंडिया में हैं तो ईस्टर वेस्ट ईस्टर्ली वेस्टर्ली डायरेक्शन में खोलना चाहिए। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में खिड़की जो है तो हवा पास नहीं करेगी क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब हो गया नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन अच्छी नहीं है। ये इस डायरेक्शन के अंदर अगर हम खिड़की दरवाजे कोई कमरा कुमरा बनाते हैं तो वो वहाँ पर जो है धूप नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी, ठंडक रहेगी। और बुजुर्गों का कमरा वहाँ होगा तो गोड्डों में ठंड घुसेगी। उनको साउथ वेस्ट का कमरा देना चाहिए गर्मी रहे। लड़की का कमरा जो है वो नॉर्थ नॉर्थ में डाल दो, लड़की आज की वैसी हॉट होगी। ठीक है ठीक। इधर हमने क्या करना है, इधर भगवान जी लगा देने, भगवान जी क्योंकि तो भगवान जी को तो कोई आवाज सुन रही है, मूर्ति शूटी हमारा लगा दी। तो बेसिकली इतनी सी बात है, ज़्यादा सिर खपाई की बात नहीं है। अब ये बोले जी ये वाला रंग कर दो, वो रंग कर लो, ये बल्ब जला दो, वो बल्ब जला दो, ये यहाँ धागा बांट दो, ये मूर्ति वहाँ लगा दो, प्राणी यहाँ लगा दो, पता नहीं क्या करते हैं। हमें समझ से आ रहा है हमारे यहाँ से कि ये पंच तत्वों में बैलेंस कर दो। अर्थ तो हो गया, जब हमने मकान बनाया तो अर्थी डली, हमने कंक्रीट सीमेंट ब्रिक्स वगैरह लगी, वाटर उसके बाद डलता ही है, आग होगी, सनलाइट, एयर मैंने बता दी कौन सी डायरेक्शन से आनी है, फायर हमने देख ली कौन सी डायरेक्शन से आनी है, उसी डायरेक्शन में खिड़की दरवाजे खुलेंगे। और स्पेस का मतलब ये है कि स्पेस शुड बी एनफ। घर के अंदर में आपने अगर वो बेड बनाया, बेड रखा है तो आस पास घूमने की जगह होनी चाहिए, स्पेस सबके लिए, स्पेस बच्चे के लिए पढ़ाई का स्पेस हो, माँ बाप के लिए अलग स्पेस हो, बुजुर्गों के लिए अलग स्पेस हो, चीजें ऐसे बिखरी ना पड़ेगी। हाँ जी, कई लोग मानते कि जो घर का सेंटर है वो खुला होना चाहिए। नहीं सर, वो जो है ना आप कह रहे हैं घर का सेंटर खुला होना चाहिए, वो 1500 स्क्वायर फीट के लिए नहीं है। वो हो गया आपका मकान जो है वो 1000 गज का है, तो फिर हम क्या करेंगे सेंटर के अंदर इसको ओपन कर देंगे, जैसे आपने ओपन कराया ब्रह्म स्थान, उससे क्या है लाइट हर जगह जाएगी। और तरीका ही नहीं है, सेंटर में ही डालनी पड़ेगी ताकि वो हर तरह से इल्यूमिनेट हो, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो ये जो लाइट इधर इधर से जहाँ से भी आ रही होगी वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगी। तो यहाँ से भी हमें चाहिए, फिर सेंटर से भी चाहिए ताकि घर इल्यूमिनेट रहे, स्पेशली आपके यहाँ पर, क्योंकि आपके यहाँ वैसे ही सनलाइट नहीं है। हमारे यहाँ तो इतनी आग लग रही है पहले सनलाइट, वो कह रहे हैं भैया बस करो भाई, भगवान सूरज भगवान बस करो, यहाँ तो सूरज भगवान आते नहीं, निकले तो दरवाजा खोल रहे भैया आओ। हाँ जी, what about the old houses then, like if you live in an old house that is not vastu friendly, then what do you do? नहीं नहीं, वो तो बाथरूम तो मुझे साउथ वेस्ट ही डालना पड़ेगा, साउथ साउथ वेस्ट। लाइक इन विद आवर हाउसेस वी हैव प्रीटी मच वॉशरूम इन एवरी रूम। देखिए कनाडा, फॉर कनाडा इज डिफरेंट, बट आई एम व्हाई आई एम सेइंग कनाडा इज डिफरेंट, कि कनाडा के अंदर जो धूप है कितने आपके यहां पर कितने महीने आती है, मैक्स दो मई जून जुलाई, ये जो कहानी मैं जितनी सुना रहा हूँ ये स्टोरी जो है दिस इज ट्रू फॉर इंडिया ओनली, फॉर अ 5-star होटल व्हाट यू विल डू, दैट स्टोरी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज नॉट फॉर अ 5-star होटल। एंड वो जो है वो वैसे भी हमने एक ही दिन रहना होता है, वो जो है वहाँ पर वो अपने दूसरा जो कमर्शियल मेथड से उसको सुखाएंगे। आपके केस में भी देर इज नो ऑप्शन, धूप ने आना ही नहीं, तो धूप के डायरेक्शन में बाथरूम कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, आना ही नहीं। हाँ, तो आपके लिए जो है फिर आर्टिफिशियल मेथड से आपके अपने घर भी जो है वो हीटिंग सिस्टम है, वो आर्टिफिशियल करना ही पड़ेगा अगर आपको ढंग से जीना, नहीं तो सारा दिन ऐसे ऐसे पड़े रहोगे। हमारे भी सर्दियों में ही हाल होती है, 10-15 दिन तो हम यूं ही पड़े रहते हैं। मैं स्पेन गया तो एक वहाँ मेरे को ऑस्ट्रियन मिली, बोलते इंडिया इज वेरी कोल्ड, क्या कह रही है, मैं वेयर हैव यू बीन इन इंडिया, बोलते जयपुर दिल्ली वाराणसी, तो मैं कह जी यहाँ तो इतनी ठंड नहीं होती है, यहाँ तो ऑस्ट्रिया में तो बर्फ पड़ती है। But Mr. Teja, you don't understand. Actually, in India, bathroom is also cold. Bedroom is also cold. Yeah, problem. There's no heating. Car is also cold.
बस इज ऑल्सो कोल्ड, ट्रेन इज ऑल्सो कोल्ड, ट्रेन में भी हीटिंग सिस्टम भी इंडिया में है नहीं, तो इतनी ठंड है नहीं। तो सर जो किचन का है, किचन चाहिए स्पेशली नहीं, किचन का जो बाथरूम का सिंक है, सॉरी किचन का जो बाथरूम का सिंक जहाँ पर बर्तन धोएंगे आपको, यूटेंसिल्स जहाँ पर धोए जाएंगे, वहाँ धो पानी चाहिए सर। आप यहाँ तो ठंड इतनी है, कॉकरोच पैदा ही नहीं हो पाता, हमारे तो ये हॉट एंड ह्यूमिड है, कॉकरोच के लिए बेस्ट ब्रीडिंग टाइम होता है वो, तो हमें तो धूप चाहिए चाहिए, करेंगे क्या। तो अगर कई लोग तो बोलते कुकिंग करनी है, कुकिंग कर रहे हो, तो आपका वो मैटर करता कि आपका फेस किस तरफ हो या इस तरह ना। सर इतने ना सिर कपाई इतनी कर रहे हैं, जितनी ऐसे करो जी, पढ़ो तो इस डायरेक्शन में, देखो तो उस डायरेक्शन में, लड़की से मिल, लड़की से मिलने जाओ तो इस डायरेक्शन से जाओ, उसको बोलो यहाँ से आके आई लव यू, वहाँ से ना बोलो बर क्या क्या करवा रहे हो हमसे भाई, क्या क्या करवा रहे हो, पहले ही हम जनानी के इशारों पे नाच रहे हैं, अब तुम्हारे इशारों पे भी नाचे, पत्नी क्या करते हैं ये। तो मुझे भी दिन कहना पड़ेगा, बिल्लू गेट वाले को भी दिन कहना पड़ेगा, बिल्लू गेट खिड़की वाले को भी। बात यह है कि पैसा अर्जित अगर पूजा से होता होता तो लक्ष्मी तो हमारी माँ है, वो बिल्लू गेट वाले की तो नहीं, बिल्लू गेट वाला तो मानता नहीं ना, ट्रंप मानता, वो एक्चुअली काम पे लगे हुए उसको अर्जित करने के लिए, हम काम नहीं कर रहे, हम पूजा पे लगे हुए हैं। और भगवान कृष्ण बार बार बोला कर्म का फल है, पूजा का फल नहीं है, वो हम सुनते नहीं, वही कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस। प्रॉब्लम ही तो यही है सारी कि इंडिया में अंधविश्वास इतना भर दिया है, और हर एक आदमी को एक गॉड फादर चाहिए, अगर वो गॉड फादर से उसने बात कर ली, उसने बोला हाँ जी ठीक है, तो बोला हाँ जी ठीक है, हर एक चीज़ के ना एक लिमिट तक तो ठीक है, बट अनलिमिटेड चीज़ें करने लग जाते हैं कि सुबह निकले तो कौन सा पैर आ गया, उठे तो क्या करें, आज के दिन किसकी पूजा करें, मेरा इष्ट देव कौन है, मैं किसकी पूजा करूं, मंडे को व्रत रखूं या ट्यूसडे को रखूं, मंगलवार को भाई शराब नहीं पीऊँगा, क्योंकि हनुमान जी जो है बाकी छः दिन छुट्टी पर रहते हैं, वो तो मेथड सिंपल है, वो कॉमन मैन माइनस कॉमन, लोगों के मन में डर डालते हैं पियकड़ों के कि भाई एक तो देखो भाई नवरात्र में नहीं पियोगे भाई, मंगलवार को नहीं पियोगे भाई, हनुमान जी देख लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी की नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है ना, हर हर कोई नॉर्थ इंडिया में बहुत प्यार है, बहुत पूजा करते हैं लोग, बहुत रिस्पेक्ट है, बड़ा मन में भावना, तो इसलिए वो डाल दिया भाई हनुमान जी, तो चल कम से कम एक दिन तो नहीं पिएगा, उसी इतनी से काम करें, इस चीज़ के लिए नहीं कि हनुमान जी देख के बोलूँ अभी तू पी रहा क्यों नहीं पी रहा, अभी तू क्यों पी रहा, ग्रैंड ब्रिज कोल में ना भाई ये क्या मतलब है, बियर क्यों पी रहा, तो हैवर्ड्स 5000 हनुमान जी के बहुत काम है। फिर जैसे मंगलवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए भाई, एक दिन नाई को भी छुट्टी दे, इतनी से काम, एक दिन तो बेचारे उसको भी छुट्टी चाहिए, ये बातें ये बेमतलब नहीं, हर बात पर तूल देना, हर बात पे अंधविश्वास खड़ा करना, इट विल क्रिएट रकस इन योर माइंड, माइंड को तो फ्री रखना, कुछ कर दें भाई आज नए आइडिया सोचे, माइंड को फ्री रखना, कोई नई आइडिया सोचे, अरे माइंड में सब ये डाला कि आज सुबह ये करना है, कल दुकान को ये करना, फिर तो राहू काला, आज तो राहू काला, आज काशी है, आज पुराना है, घर में जो जनानी है वो करती रहे, उसके बाद काम नहीं है यही काम लगा सही बात है, उसके लिए ठीक है, तो जनानी है मैं काम वाले नहीं, नहीं भाई मतलब मर्द का दिमाग ना खाए ना, अच्छा सात्विक भोजन खाएगी लड़ेगी घाट नहीं बात सही है ना, वेली बैठी रहती है आज तो आज आन दे इसको, हम थके हुए आते हैं वो तैयार होती है, बिल्कुल सात्विक का पड़ता है भाई साहब, माने मैदा आपने खाया अब वो पिज्जा खाया उसके बाद बताते पेप्सी आवेरे तो अब गैस चढ़ेगी, सारा दिन चढ़ेगी, सिर पे चढ़ेगी, अब बाहर निकल के आएगा बाथरूम से इज डिससेटिस्फाइड,
नहाया तो हुआ है लेकिन अंदर से जो पेट क्लीन नहीं है, पेट क्लीन नहीं है, टेंशन में है, बीवी का क्या, बीवी ने पूछा हाँ वो ले आए थे और चुप कर गया, बल नहीं परेशानी है हो गए ना। आप लू से, लू चल रही है बाहर एकदम से अंदर आए, बीवी कुछ बोलते बोले पहले पानी पिला, बोले पहले मैंने दसो, बोले तेन दसा होने मैं तेन दसना, वही है पानी प्यास लगी भाई। तो हम कल डिस्कस कर रहे थे मैंने कहा कि ये शरीर मंदिर है, शरीर मंदिर है, इसमें भगवान का वास है, आत्मा का वास है, तो वी शुड कीप इट हेल्दी क्लीन ऑल द टाइम फिट, की बॉडी हैप्पी हैप्पी। हमने पहले दिन बात की थी डे वन में कहा था कि फर्स्ट आवर आई सेड पहली चीज है हैप्पीनेस, अंग्रेजी में तो हैप्पीनेस का शब्द है उमंग आनंद, भोजन में भी वो कपड़े भी जो है वो अच्छे लगे वो पहनो, ठीक है, बात भी लोगों से ऐसे करो कि उनका भी मंदिर है, मंदिर टू मंदिर, ठीक है। तो अब इस तरीके से मतलब वी कैन इम्प्रूव अवर लाइफ, हम ये नहीं है कि भाई ये ऐसे तो वो ऐसे, तो वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम टू अवर मंदिर, तो वाई वी शुड क्रिएट, और ये डराते रहते हैं, तो डरना चाहिए। मुसलमान मानते रहे इसलिए उनको नहीं कहते, बोले हम तो कह रहे मान रहे हैं तो भी हमसे नाराज है, वो नहीं मान रहे भाई, गलती हो गई भी मान रही है, ये क्या बात हुई है, चल रही बात करेंगे।